वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो ये बैग आप देख रहे होंगे और ये बैग जो है इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी कुछ देर पहले मुझे रिसीव हुआ था। तो मुझे था कि चलो मैं आज आप लोगों के साथ जो है ना अपना इट इज सॉर्ट ऑफ अ किचन एंड होम स्टफ शॉपिंग हॉल, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ बहुत अरसा हो गया कि किचन का कुछ ऐसा सामान शेयर नहीं किया। शायद मैंने रमजान में किया था, उससे पहले जो मैंने थोड़ी बहुत रमजान से पहले किचन की थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी, तो उसके बाद जो है ना मैंने काफी अरसा हो गया मैंने कोई चीज नई किचन के लिए नहीं ली। सो दिस इज द बैग, इट इज हैविंग अ लॉट ऑफ किचन स्टफ एंड इट इज हैविंग अ लॉट ऑफ होम स्टफ। तो वो दोनों चीजें हैं एंड जिस साइट से मैंने मंगवाई है उसका लिंक मैं इधर मेंशन कर दूंगी नाम, और नीचे जो है ना उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लिया करें या पिन कर दूंगी, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। और ये है कि सारे प्रोडक्ट्स उनके पास मौजूद है, तो आप लोगों को बड़ी आसानी से सारी चीजों के बारे में पता चल जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, ये जिस ब्रांड से मैंने मंगवाया है इसका नाम है डीएस ट्रेडर्स, ठीक है, डीएस ट्रेडर्स। तो उसकी वेबसाइट मैं नीचे दे दूंगी तो आप लोगों को आराम से पता चल जाएगा। सॉरी, इट्स हॉट, फैन इज ऑन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आप लोगों को चीजें निकाल निकाल के दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज मंगवाई है और कौन कौन सी चीज किस चीज के लिए। हाँ जी, तो सबसे पहले जो निकला है वो ये प्लास्टिक का बोल है। ये इनमें से कुछ चीजें ऐसे जो कि मैं सेकेंड टाइम मंगवा रही हूँ, सेकेंड टाइम इन सेंस कि जो मेरे पास है और इनकी शॉप इनकी लाइक ऑनलाइन शॉप में देखने के बाद आई वाज लाइक मुझे दोबारा मंगवानी चाहिए। मेरा जो इस तरह का एक बोल है जिसके अंदर मैं चावलों को भिगोती हूँ, और आप लोगों ने देखा होगा ऐसे ऑफ वाइट कलर का है, और आज से मैंने 6-7 साल पहले लिया था एंड अब जो है वो मैंने इतना यूज किया, 6-7 साल भी उसको नहीं हुए, आई थिंक मुझे उसको यूज करते हुए 8-9 साल हो गए होंगे। तो वो मैंने इतना यूज किया है, इतना यूज किया है, उसकी जो है अभी यहाँ की जाली टूट गई है। ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है मैं बता दूं, चावल जो है ना मैं इसमें भिगो देती हूँ, और भीगने के बाद जो है ना धोती भी इसी में हूँ, भिगोती भी मीन्स अपने पुराने वाले में, और फिर इधर से ना पानी बड़े आराम से ड्रेन हो जाता है इधर से, और चावल यही रह जाते। तो ये ना चावलों को दालों को धोने के लिए होता है और ये बेस्ट है, और ये इतना मुझे आई डोंट रिमेम्बर द प्राइस, बट आप जब उनकी वेबसाइट पे जाएंगे ना तो आपको हर चीज इतनी सस्ती लगेगी। सीरियसली काफी अरसे बाद मुझे कोई ऐसी वेबसाइट मिली है जिसके प्राइस रेट्स आर वेरी लो। सो ये पहला मैंने लिया है, वो दूसरा वाला मैं डिस्कार्ड कर दूंगी और ये वाला मैं यूज करूंगी। मे बी आई विल नॉट यूज नाउ, आई विल यूज इन माई न्यू किचन। हाँ जी, आप लोगों को बहुत जल्दी जो है वो मैं न्यूज दूंगी, आई विल बी शिफ्टिंग फ्रॉम दिस हाउस। सो अभी तक मैंने आप लोगों से नहीं शेयर किया था, बट आजकल मैं थोड़ी बहुत पैकिंग में लगी हुई हूँ एंड वी आर सर्चिंग फॉर अ हाउस एंड इंशाल्लाह ताला आज इसी बहाने मैंने आप लोगों को बता दिया। तो वो ये होगा कि जब मैं शिफ्ट करूंगी तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो फिलहाल मैं थोड़ी बहुत चीजें जमा कर रही हूँ फॉर द न्यू हाउस एंड आई बी यूजिंग इट देयर। सो ये जो है ये मैंने लिया है एंड इट इज वेरी गुड। मे बी घर से इधर से जाते हुए मैं वो अपना पुराना वाला डिस्कार्ड कर दूं। अच्छा जी, अब ये एक और चीज है, ये एक और प्याला है, बहुत सस्ते थे सीरियसली, मुझे नहीं पता शॉप्स पे कितने के थे, लेकिन आपको जब ऑनलाइन एक जगह पे मिल जाते हैं ना तो फिर आपको बड़ी आसानी हो जाती है। ये क्या चीज है? ये डबल है, ठीक है, ये प्यास प्लास्टिक का प्याला है, और ये जो है ये उसके ऊपर एक और प्याला है। आप इस प्याले में जैसे अब मैंने ना जैसे धनिया धो लिया, हरी मिर्च धो ली, पुदीना धो लिया, और उसके बाद जब पानी अच्छी तरह निकल गया तो मैं इसको इधर रख दूंगी, तो नीचे जो है ना इसकी देखिए जगह गैप है इस जगह पे, तो जो पानी होगा ना तो वो इधर से छन के नीचे चला जाएगा और जो ऊपर वाली चीज पड़ी हुई वो ड्राई हो जाएगी। तो ये मैंने इसलिए खरीदा था, इट वॉज ऑल्सो वेरी रीजनेबल हुआ। तो मैं इन सबके जितने भी लिंक्स थे ना वो भी मे भी हो सकता है मैं शेयर कर दूं, और अगर टाइम नहीं था मैंने शेयर कर पाई ना, तो आप लोग सिर्फ लिंक मतलब ये कि इनकी वेबसाइट खोल के चेक कर लें तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो एक अदद मैंने ये लिया है विच इज वेरी गुड फॉर माई किचन। अच्छा जी हाँ, ये इसके लिए मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि मैंने ना अब आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, बट आई एम श्योर इट विल बी गुड।
अच्छा ये ना इट इज पैनकेक, पैनकेक का यू कैन से के ये एक सांचा सा बना हुआ है, इसको आप पैन के अंदर यूं रखते हो जैसे कोई भी सॉस मींस फ्राइंग पैन में आपने रख दिया और इधर ना आप बैटर डाल देते हो। इट कैन बी बैटर ऑफ एनी थिंग, चीले का बैटर हो सकता है, पैनकेक हो सकता है। और तो वो ये जो है ना, मैं मुझे सोच रही थी कि मैं तलाल के लिए और अपने बच्चों के लिए, इसलिए मेरे बड़े बच्चे थे इतने छोटे नहीं, बट खुश होकर खा लेंगे, तो इनके लिए पैनकेक सुबह नाश्ते के लिए मैं सोच रही थी कि मैं इसमें बनाया करूंगी। एंड इट वॉज ऑल्सो वेरी रीजनेबल, इसमें डिफरेंट शेप्स थी बट उन्होंने मुझे स्टार भेज दिया। मैंने एक बार उसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलती कि आपने कौन सा चूज करना है, बट आई रियली लाइक दिस एंड इट इज सिलिकॉन, जलता नहीं है, आराम से आप यूज कर सकते हैं। एंड प्राइसेस अगेन टेलिंग यू, आपको मिल जाएंगे वहां पर वेबसाइट। अच्छा जी, हाँ ये ना मैंने दो मंगवाए हैं, एक मैंने खोल लिया था तो वो मैं खुला हुआ आपको दिखा देती हूँ, दूसरा जो है ये बंद है। आई हैव अ लॉट ऑफ बैग्स, अ लॉट ऑफ बैग्स, ये सारी चीजें आई विल बी यूजिंग इन माई न्यू हाउस, तो आई हैव अ लॉट ऑफ बैग्स। एंड ये जो है ना मैंने खोल के देख लिया था, इसके अंदर ना मुझे बैग ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजर चाहिए था, तो दिस इज अ बैग ऑर्गेनाइजर। इसके यहाँ पर देखिए खाली जगह बनी हुई है, तो इधर ना बैग्स आ जाते हैं, वन टू, यानी कि इस एक में सिक्स बैग्स आते हैं, सिक्स। तो मुझे था कि चलो, इतना रीजनेबल था, पता नहीं 250-250 रुपए का था, तो मैंने ना ये दो मंगवा लिए कि चलो मेरे पास बहुत सारे बैग्स हैं, आई डोंट नो इट इज स्टेबल और नॉट, क्योंकि मैंने यूज नहीं किया हुआ, तो ये मैंने दो मंगवा लिए कि मेरे पास बैग बहुत ज्यादा है तो इसे मैं यूज कर लूंगी लाइक फॉर डिफरेंट बैग्स। तो अगर एक मंगवाती हूँ तो अच्छा दो मंगवा लूँ, क्योंकि शिपिंग बार बार देनी पड़ती है आपको फिर। अच्छा जी, उसके बाद हाँ जी, आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस वन। आपको याद हो बहुत पहले मैंने एक मंगवाया था जो कि सिलिकॉन का था, जिससे आप अपने बालों को जब वॉश करते थे, सर के बाल मीन्स जब सर धोते थे, तो वो जो है सिलिकॉन का, उसमें ऐसे मोटे मोटे से ऐसे चोंचे निकले हुए, उससे अपने सर को धोते तो आपकी स्कैल्प को बहुत अच्छा साफ कर लेता है, तो उस वो बहुत अच्छा है, मैंने यूज किया है। तो ये जो है ना ये बॉडी वॉश के लिए है और ये भी बहुत रीजनेबल था, दिस इज फॉर बॉडी वॉश। इसकी यहाँ पर ना आप डाल देते हैं शैम्पू, वो जो बॉडी वॉश होता है वो इसके अंदर डाल दें और इसको इधर से बंद कर दें, ये बस ये खुद ही इधर सुराख है, इसमें से निकलता रहता है और आप अपनी बॉडी को जैसे हम लोफा से धोते हैं ना, इसी तरह आप इससे कर सकते हैं। दिस इज लाइक ये बहुत अच्छा है, जैसे बहुत हार्ड नहीं, हार्श नहीं है फॉर ऑन बॉडी, बट डेड स्किन सारी रिमूव कर देगा। तो ये तो खैर मैं अभी यूज कर ही लूंगी, बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू यूज इट। एंड इसमें डिफरेंट कलर्स थे बट इन्होंने मुझे पिंक भेजा, खैर चॉइसेस आर नॉट मीन्स चॉइस ऑप्शन नहीं है फॉर चॉइस कि जी आपको क्या अच्छा लगता है। अच्छा जी, एक ये मैंने मंगवाया है, दिस इज समथिंग विच आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड, कि इसको जो है ना आप किसी भी ड्रॉर पे, ड्रॉर या अलमारी की कैबिनेट पे ना, या इवन आप अपने किसी दरवाजे पे भी इसको हैंग कर सकते हैं और उसके बाद इसमें बहुत सारी चीजें लटक सकती हैं। तो ये ऑर्गेनाइजर है एंड इट वॉज ऑल्सो वेरी रीजनेबल, अब तक कि मैंने इनकी प्राइसेस थोड़ी सी ना कंपेयर की थी विद दराज, तो मुझे ना इनकी प्राइसेस सस्ती लगी थी। और दूसरा ये कि दराज पे ना एक चीज एक एक दिन आ रही होती है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें सारी चीजें आपको एक ही दिन मिल जाएंगी, तो इसलिए दैट वॉज द मेन रीजन आई रियली लाइक्ड इट। अच्छा, उसके बाद जो है वो ये है, इसका मैंने ना नेट पे बहुत ज्यादा देखा था, इसके ऊपर लिखा हुआ है ओवर अ कुकवेयर क्लीनर, ओवर एंड कुकवेयर क्लीनर, ठीक है, मतलब ये सॉरी हाँ ओवर ही लिखा हुआ है, मेरे ग्लासेस नहीं पहने, बट इट इज ओवर एंड कुकवेयर क्लीनर है। और इसकी वीडियोस भी मैंने देखी है कि आप इससे बर्तन जो गंदे हुए हुए होते हैं ना, उसकी बैक साइड काली हुई हुई होती है, तो ये उसको क्लीन करने के लिए है, कुछ पाउडर है जिससे लेके धोते हैं तो साफ हो जाते हैं वो। तो खैर मैं आप लोगों को देखी दिखा दूंगी कि किस तरह से ये साफ करता भी है या नहीं, तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा। हाँ जी, ये एक मैंने स्पैचुला मंगवाया, क्योंकि मैं स्पैचुलास बहुत यूज करती हूँ, बट आई विल नॉट बी यूजिंग इट नाउ, मैं इसको रख लूंगी और फिर इंशाल्लाह ताला अगर यूज कर लिया तो इट्स नॉट अ बिग डील, मैं यूज कर भी लूंगी, बट अगर नहीं किया तो मैं नए घर में इसको यूज करूंगी। विश मी बेस्ट ऑफ लक फॉर अ न्यू हाउस, क्योंकि अब घर का की हंटिंग करना इज वेरी यू नो डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि हाउस हंट इज यू नो आपको अपने तरीके का घर मिलना ना बहुत मुश्किल काम है, तो बस अभी हम हाउस हंटिंग स्टार्ट करने वाले। अच्छा जी, दिस इज ऑयल एप्लीकेटर कह सकते हैं, इसके अंदर आप ऑयल को भरते, ये तो मैं खैर अभी यूज कर लूंगी। इसके आगे ये नोजल लगी हुई है, नोजल इन सेंस की इसमें सुराख है, कंघी सी इसमें सुराख है, और आप इसमें तेल भर लेते हो सर पे लगाने के लिए ना, बहुत क्विक आप लगा सकते हो। आई थिंक इट वॉज
लेस देन 100 रुपीज, नॉट वेरी एक्सपेंसिव। अच्छा जी, फिर हाँ, दिस इज समथिंग आई एम वेरी हैप्पी। मैं हमेशा से ना मेटेलिक जो है वो स्ट्रॉज लेना चाह रही थी, एंड इनके पास थे, बहुत रीजनेबल थे, सारा शायद सब कुछ आया है कोई 3,500 रुपए कम, जी याद नहीं है। ये क्योंकि मेरा पार्सल 2-3 भी आए और भी आए थे। अच्छा जी, ये देखें, ये स्ट्रॉज हैं, ये एक ऐसे मुड़ा हुआ है, एक बिल्कुल स्ट्रेट है, और एक इसका ब्रश है, विच इज अ गुड थिंग। और ये भी बहुत सस्ता था, ये जो है मेटेलिक मीन्स, मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे से ना मतलब कप्स हैं जिनके ऊपर कवर्स आते हैं, तो मुझे था कि चलो मैं ना ये मंगवा लेती हूँ मेटेलिक, तो इट विल हेल्प मी, और वॉश भी हो जाएंगे और आराम से मैं यूज भी करूंगी आई थिंक। हाँ जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई रियली वॉन्टेड टू बाय समथिंग फॉर माई बॉटल्स, क्योंकि ऑयल बॉटल या शरबत की बोतल, इस तरह की जो बॉटल्स होती हैं उनको धोने के लिए ना आपको ब्रश चाहिए होता है। सो दिस इज द ब्रश आई हैव बॉट, ये भी बहुत सस्ता था, और अगर आपके घर में बच्चे हैं वो फीडर पीते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा, सिलिकॉन का है, आप डालो और धो लो। सो ये भी बहुत रीजनेबल था। तो ये सबके लिंक्स अगर मुझे मिलते जाए मैं नीचे से डालती जाऊंगी, अगर आज अभी नहीं होता तो रात तक जो है वो ये होता है कि जब मैं बहुत फारिग हो जाती हूँ ना तब मैं वो ढूंढ के डाल देती हूँ, क्योंकि समटाइम्स आई एम सो बिजी। तो अगर नहीं थे तो दोबारा आप वीडियो चेक कर लें, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आप लोगों को ये सारे की लिंक्स जितने जितने भी मुझे मिल गए तो मैं डाल दूंगी। अदरवाइज उस सॉरी इट्स सो हॉट, आई एम जस्ट स्वेटिंग, जल्दी जल्दी वाइंड अप करती हूँ। तो वहां जो वेबसाइट है उसमें इतनी ढेर सारी चीजें हैं कि आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, इन किचन एंड होम ऑर्गेनाइजेशन की भी बहुत सी चीजें। अभी तो मैंने फर्स्ट लॉट मंगवाई है, इंशाल्लाह ताला आप लोग देखेंगे, आई विल बी वेरी मच इनटू दिस हाउस एंड एवरीथिंग न्यू स्टफ यू नो। तो अभी बस ये मैंने मंगवाया है अपने नए घर के लिए, इंशाल्लाह ताला आप उनके साथ मैं हाउस हंटिंग भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, आई विल बी शेयरिंग एवरीथिंग। इफ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड डू लेट मी नो, और दुआ करें कि बस बहुत अच्छा सा घर मुझे मिल जाए। सो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर एंड लव। For just this moment, so turn out the lights and let's make a deal to just enjoy.